तरीके के सामने आ गई है। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से फैसला लिया गया है, कनाडा में लोकप्रिय स्टूडेंट वीजा स्कीम जो है वो बंद की गई है। स्टूडेंट डायरेक्टर स्ट्रीम वीजा योजना को बंद किया गया है। 4.5 लाख पंजाबियों को अब कनाडा छोड़ना होगा। बढ़ते आवास संकट और संसाधनों की कमी का हवाला यहां पर दिया गया है। छात्रों को अब वीजा लेने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। फास्ट ट्रैक वीजा की जो सुविधा थी उसे खत्म करने की बात कनाडा की तरफ से सामने आ रही है। यानी एक तरफ तो दबाव बढ़ता है तो डल्ला जैसे जो क्रिमिनल्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। फिर इधर पंजाब पुलिस ने भी गैंग के 2 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया। कभी ट्रूडो कहते हैं कि हाँ खालिस्तान समर्थक हैं यहाँ पर, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ बैकडोर से ही सही है संजीव जी, ये जो सोच है या जो नीतियाँ हैं ये भारत के खिलाफ लगातार क्यों सामने आ रही है, जब ये जानते हैं ट्रूडो कि मुश्किल उठानी पड़ सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ तक कि एलॉन मस्क ने तो ये पहले से डिक्लेयर भी कर दिया है कि हार रहे हैं जस्टिन ट्रूडो आने वाले चुनावों में। जी देखिए, ये जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो एक फास्ट ट्रैक वीजा का जो सिस्टम कनाडा ने 2018 से शुरू किया था उसको इन्होंने अब उसको बंद किया है। और इस तरीके की जो कदम लेकर के जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो कि लगातार लोकप्रिय अलोकप्रिय होती जा रही है, लगातार उसकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, वो इलेक्शंस में हार उसको दिखाई दे रही है, ऐसे में वो जनता के सामने जो एक अंतिम समय का जो जो प्रयास होता है कि जिसमें कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कनाडा के हित के बारे में सोच रहे हैं, कनाडा के लोगों का हित पहले रखेंगे, कनाडा के बारे में जो है इस तरह की नीतियां अपनाएंगे कि सबसे पहले वहां के लोगों को लाभ हो, फिर विदेशी लोगों को लाभ हो, इत्यादि इत्यादि जो इस तरीके की जो राष्ट्रवादी जो एक जो पॉस्चरिंग को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले 9 वर्षों में कनाडा की जस्टिन ट्रूडो ने लगातार अपनी जो है लचर नीतियों की वजह से, अपने ब्लंडर्स की वजह से वो लगातार लोगों के बीच में वो लोकप्रिय हुए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो टेररिज्म के फ्रंट पर अगर वो कुछ इस तरह का करते हैं जिसमें कि अपने अंदर सुधार लाने की वो बात दिखाने की कोशिश करते हैं, या इमिग्रेशन के फ्रंट पर कठोर नीतियां अपनाते हैं, अभी उनके जो पड़ोसी राष्ट्र अमेरिका में भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेशन के ऊपर कठोर नीतियां अपनाई और सत्ता में वापसी हुई, तो इसी तरीके की जो अनेक तरीके के जो प्रयास है वो जस्टिन ट्रूडो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से वो अलोकप्रिय हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारी गलतियां की हैं, कनाडा के लोगों का भी अहित किया है, भारत जैसे बड़े राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को उन्होंने जो है खराब किया है और कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के साथ खिलवाड़ किया है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के प्रयासों से उनको कोई बड़ा राजनीतिक लाभ होने जा रहा है। और आने वाले समय में जहाँ इलेक्शंस होंगे वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है और जाहिर है कि इस तरीके की जो वीजा स्कीम को बंद करके उन्होंने एक तरह से अपना भी हित करने का ही कार्य किया है, क्योंकि जब भारत के जो छात्र जब पढ़ने जाते हैं तो वो वहाँ पर जो फीस देते हैं उससे कनाडा की इकोनॉमी को बहुत बड़ा लाभ होता है। बड़ी संख्या में जो भारतीय छात्र हैं वो एक जो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं फीस के माध्यम से वो कनाडा की इकोनॉमी में, उससे कनाडा को बड़ा लाभ होता है। अब इस तरीके का बाधाएं पहुंचाना, या जाहिर है कि वीजा तो मिलेगा लेकिन ये वीजा के मिलने का जो प्रोसेस है वो एक लंबा महीनों में चलने वाला प्रोसेस हो जाएगा, उससे भारत के लोगों को, भारत के छात्रों को परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। तो ऐसे में जाहिर है कि जिस तरीके के जो कदम उठा करके उन्होंने एक बार फिर से भारत और कनाडा के संबंधों को भी फिर से प्रभावित किया है। और ये जो एक रीजन और समझ में आता है, ये ही मैं अगला सवाल करने भी वाली थी वेद भूषण जी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ भारत से जो लोग पहुँचते हैं ऐसा फ्री में रह लेते हैं, एक बड़ा अमाउंट जाता है कनाडा सरकार को, ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। फिर दूसरा इसका रीज़न ये भी समझ में आता है कि तमाम जो चुनावी जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो आने वाले चुनावों में बड़ा नुकसान झेलने वाले हैं और इस बार तो उनकी कतई वापसी नहीं होने वाली। क्या ये बात जानते हुए जस्टिन ट्रूडो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच जो तल्खी है वो बढ़े तो बढ़े, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं क्योंकि उनका तो वक्त खत्म हो रहा है? जब वक्त खराब आता है तो इसी तरह के हालात पैदा होते हैं, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने जैसी पोजीशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स के अलावा बहुत बड़ा वर्क फोर्स
हिंदुस्तानियों का है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कनाडा के अंदर रिमोट एरियाज के अंदर जहाँ केवल बर्फ पड़ती है, केवल हिंदुस्तानी आदमी उनके खेतों के अंदर फैक्ट्रीज के अंदर तमाम तरह की उनकी जो वर्क फोर्स है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान से जाता है, तो उनके लिए आने वाला समय बहुत चुनौती का होगा क्योंकि तमाम जो सिख वहाँ पर रह रहे हैं वो तमाम सिख खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारे सिख समुदाय ऐसा है कि जो इस तरह की नीतियों को गलत मानते हैं वो भी ट्रूडो के खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरह की हरकतें उनकी लाइफलाइन को, उनके बिजनेस को, उनके कारोबार को, उनकी तमाम जिंदगियों को प्रभावित करें, तो इसका नुकसान देर सवेर ट्रूडो को चारों तरफ से होने वाला है। परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब उनकी बुद्धि जो बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही है उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, परंतु अब बिल्कुल एक्सपोज हो गया, तमाम जो चीजें इशारा कर रही हैं कि कनाडा सरकार बहुत बड़ी गलती इन्होंने की है और लगातार गलतियां कर रही हैं। हालांकि जिस तरह अर्श दल्ला और तमाम तरह की उन्होंने कोशिश भरपाई करने की कोशिश की जा रही है और निजर के बारे में आज तक उन्होंने कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं दिया है। मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूं, मैं एविडेंस को समझता हूं, वो हवा हवाई बातें कर रहे हैं, कोई इस तरह का डिजिटल या कोई इस तरह का एविडेंस अभी तक नहीं दिया है कि भारत सरकार ने निजर का मर्डर कनाडा के अंदर कराया था। ये बड़ी दुख की बात है, वो तो यूटर्न ले लिया था, बाद में जब आलोचना चारों तरफ से झेली तो बाद में यूटर्न ले लिया, लेकिन जरा सोचकर देखिए कि किसी देश के प्रधानमंत्री उलझुलू सा बयान दे दें फिर बाद में यूटर्न लेना पड़ जाए तो ये वैसे भी शर्मनाक है। बिल्कुल, भारत जैसे कंट्री के ऊपर एकदम सरकार के ऊपर एलिगेशन लगा देना, किसी इंडिविजुअल के ऊपर एलिगेशन या किसी संस्था पर लगाते तो एक दूसरी बात थी, केवल कि भारत सरकार के ऊपर सीधा। हालांकि आपने जैसा कहा कि यू टर्न ले लिया, पर यू टर्न से उनकी छवि और ज्यादा खराब हुई है कि वो टिकाऊ आदमी नहीं है, वो कनाडा को बहुत बड़ा स्तर तो नहीं दे सकते, स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, ये एक्सपोज हो गया है। तो आने वाले टाइम में ये चीजें तमाम उनको बड़ी दुखदायी साबित होंगी और जैसे श्रीवास्तव जी ने भी कहा और आप भी मान कह रही हैं कि आने वाला टाइम हो सकता है कि वो अपनी कुर्सी बचाने में फेल हो जाए, जिसका तमाम लोग को देख रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो इलेक्शन है, जो नेक्स्ट जो सत्ता परिवर्तन होगा किस तरह से होगा। हम भी इंतजार में हैं, आप भी इंतजार कीजिए और उम्मीद है कि भारत सरकार का जो पक्ष है बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से पूरी दुनिया के सामने आएगा। संजीव जी, ओवर टू यू। यहाँ कनाडा में लोगों को हम देखते हैं कि भारतीय मूल के लोगों की संख्या बड़ी ज्यादा रहती है और यहाँ हिंदुस्तान में भी आप स्टूडेंट्स को देख लेंगे, आप उन युवाओं को देख लेंगे जो अपनी पढ़ाई खत्म करके किसी काम के लिहाज से कनाडा जाने चाहते हैं और ये लाखों की संख्या होती है जो हर साल कनाडा जाने की प्लानिंग करते हैं और जाते भी हैं। ऐसे में ये फास्ट ट्रैक वीज़ा ख़त्म कर देने का फैसला किस तरीके से कनाडा और भारत के रिश्तों पर असर डालेगा, कनाडा की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि अगर 4.5 लाख लोगों को अब इस स्कीम के बाद खत्म होने के बाद वापस आना पड़ेगा तो क्या कनाडा के जो स्थानीय लोग हैं, कनाडा के अपने लोग हैं, वो इस फैसले के खिलाफ नहीं होंगे क्या, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये फैसला जाएगा तो कनाडा के खिलाफ ही। देखिए, ये जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो योजना है ये 14 राष्ट्रों को कनाडा प्रोवाइड करा रहा था, ये जो फैसिलिटी है फास्ट ट्रैक वीजा फैसिलिटी, और जो कि कनाडा की सरकार अपने जो है पास्टरिंग को करने के लिए कि वो इमिग्रेशन के ऊपर एक टफ रुख रखेंगे और कनाडा की जनता को जो है सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, कनाडा फर्स्ट जैसा कि अमेरिका फर्स्ट इत्यादि का जो अप्रोच है उससे जो है कहीं ना कहीं गाइडेड होते हुए, और ये इलेक्शंस की तैयारी में जाहिर है कि जस्टिन ट्रूडो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो का ये जो 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 सारा कवायद है और आतंकवाद के संदर्भ में उनका जो रियलाइजेशन है कि हाँ कनाडा में भी खालिस्तानी है, ये एक लेट रियलाइजेशन है मैं ये कहूँगा, और वो जो है जमीन अपनी खो चुके हैं और मेरा ऐसा मानना है कि वो लगातार लोग अलोकप्रिय होते जा रहे हैं, लगातार जो है उनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है और ओपिनियन पोल सर्विस जो आए हैं उसमें उनको लगातार उनके उनका जो स्तर है काफ़ी उसमें लोकप्रियता का गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि इस समय जो लिबरल पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ असंतोष के स्वर हैं और बहुत सारे ऐसे सांसद हैं वो चाहते हैं कि जो अगला चुनाव हो वो जस्टिन ट्रूडो के अलावा कोई अन्य उसको लीड करे, तो इससे ये जस्टिन ट्रूडो बहुत आशंकित हैं और तरह तरीके की जो असुरक्षा से ग्रसित हैं और सत्ता लोलुप तो वो हैं ही, अवसरवादी तो वो हैं ही, तो इसी वजह से अपने आगे आने वाले जो राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए वो अनेक तरीके की पॉस्चरिंग कर रहे हैं और इसी संदर्भ में उन्होंने स्टूडेंट डायरेक्ट वीजा स्ट्रीम को ये जो पूरा जो सिस्टम था फास्ट ट्रैक वीजा का सिस्टम उसको उन्होंने बंद किया। लेकिन इससे मैं ये कहूँगा कि जो हमारे छात्र हैं जो कि मैं आपके चैनल के माध्यम से उन छात्रों को कहना चाहूँगा कि वो इस बारे में इस बात की चिंता न करें कि उनको वीजा नहीं मिलेगा, वीजा मिलने में टाइम लग सकता है, ये जो वीजा मिलने का जो प्रोसेस है
वो लंबा हो सकता है, और जो भी छात्र कनाडा में स्टडी करने जाना चाहते हैं उनको अपने वीजा के एप्लीकेशन के प्रोसेस को जल्दी शुरू करना चाहिए, बिल्कुल लास्ट में जाकर के जो पहले फास्ट ट्रैक वीजा का सिस्टम था उसको 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 न होने की वजह से उनको ये जो प्रक्रिया पहले शुरू करनी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कनाडा और भारत के जो विशाल और गहरे संबंध हैं, जो हमारा लिंकेज है, वो तो समाप्त जस्टिन ट्रूडो नहीं कर सकते। अच्छा संजीव जी, एक बात और, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया बड़ी भूमिका निभाता है। हमने अमेरिका में देखा जिस वक्त ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में है, और एलॉन मस्क भी, पहले एलॉन मस्क और उनके जैसे बड़े उद्योगपति, और जो ये क्लैरिटी नहीं दे रहे थे कि वो किसके साथ हैं, फिर कुछ दिन पहले ही उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन वो करते हैं। और फिर हमने देखा सोशल मीडिया पर भी चीजें बड़ी तेजी से बदली और फिर नतीजे हम सबके सामने हैं। ऐसे में एलॉन मस्क का ये कह देना कि जस्टिन ट्रूडो, ये मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले चुनावों में हार रहे हैं, इसका असर सोशल मीडिया पर भी दिखेगा, सोशल मीडिया का असर अब लोगों की मेंटालिटी पर भी होगा। जी जी, देखिए जस्टिन ट्रूडो के संदर्भ में एलॉन मस्क जो कि एक विजनरी उद्योगपति हैं, उनके उनके द्वारा पहले भी इस तरीके की जो जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो लार्जली बिल्कुल सटीक साबित हुई हैं, डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में भी, लैटिन अमेरिका के अनेक राष्ट्रों के संदर्भ में भी। तो इस तरीके के जो उन्होंने बयान दिया है वो एक राइटिंग ऑन द वॉल मैं इसको कहूँगा, कोई उन्होंने नई बात नहीं कही। हम सब जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो लगातार अलोकप्रिय है हो रहे हैं, उनकी सरकार जाने वाली है, उनके दिन जो है उल्टी गिनती उनकी शुरू हो चुकी है, और एलॉन मस्क ने उसी बात को अपने ट्विटर के वॉल पर, अपने एक्स के वॉल पर लिख दिया है। तो इसको राइटिंग ऑन द वॉल ही कहूंगा। और इस उल्टी गिनती में जस्टिन ट्रूडो ने अपने फैसलों से, अपनी नीतियों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की यहां पर शुरुआत कर दी है, काम कर दिया है, और इसीलिए अब जगहजाई अपनी खुद करा ली है। लोगों ने भस्मासुर कह रहे हैं कि अपने फैसलों से खुद ही घिर गए हैं, अपने बयानों से अपनी मुश्किलें खुद ही बढ़ा ली हैं, और जस्टिन ट्रूडो का इन चुनावों में जाना पूरी तरह से तय माना जा रहा है, बुरी तरह से हार होगी। वेदभूषण शर्मा जी, संजीव श्रीवास्तव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ पर इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।